वेलकम बैक टू माई न्यू रिव्यूइंग वीडियो। तो गाइज, आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ था, जितने भी रिव्यूइंग आपने कमेंट किए हुए हैं सभी रिव्यूइंग का वीडियो मैं बनाऊंगी। बट उसके लिए कम से कम मेरे चैनल पे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लीजिए। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं रिव्यूइंग वीडियो बना रही हूँ। मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको कम्प्लीट करवाइए, 4000 वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर। फिर मैं जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे हो TVS का, बजाज स्कूटर का, सभी रिव्यूइंग में, सभी बाइक स्कूटी सभी रिव्यूइंग करूँगी एक एक करके। गाइस, ये है होंडा एक्टिवा 125। तो गाइस, बहुत दिन बाद स्कूटी फिर निकल रहा है बाहर की सफ़र के लिए। गाइस, स्कूटी बहुत गंदा हो गया है, तो गाइस स्कूटी पहले बाहर निकालते उसके बाद साफ करेंगे। तो गाइस, अब स्कूटी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है तो इसको साफ करेंगे हम लोग। अभी बहुत धूल हो रहा है, गाइस अब सफाई चल रहा है स्कूटी का। गाइस, अब थोड़ा चमक भी रहा है और पानी से पोंछ देंगे तो, और मतलब पानी से पूरा अच्छे से साफ कर देंगे तो और अच्छा सब चमकेगा। तो गाइस, हम लोग थोड़ा दिन पहले ही रिव्यूइंग किए थे, उसमें स्कूटी का आवाज़ क्लियर नहीं था। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आया था स्कूटी आवाज़ क्लियर नहीं है, प्लीज़ और एक रिव्यूइंग करो। तो गाइस, बहुत लोग ये भी कमेंट किए थे कि रिव्यूइंग करो, कार रिव्यूइंग करो, स्कूटी TVS का रिव्यूइंग करो, बाइक रिव्यूइंग करो। गाइस, कार बाइक TVS का स्कूटी गाइस हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग रिव्यूइंग नहीं कर रहे हैं। गाइस, इसको अब मम्मी डबल स्टैंड करेगी तब स्कूटी स्टार्ट होता है किक के लिए। जब आपको किक मारना होगा तो आपको डबल स्टैंड करना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गाइस, अब डबल स्टैंड होगा, ऐसे डबल स्टैंड किया जाता है, उधर उसको पकड़ के यहाँ पे नीचे डबल स्टैंड किया जाता है। गाइस, ये काफ़ी दिनों से हम इसको, पिछले रिव्यूइंग के बाद ये गैरेज में पड़ा हुआ था स्कूटी, तो 8 से 10 दिन लगभग हो गया है गैरेज में था ही। तो पता नहीं अब स्टार्ट करने में कितना किक लगेगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं लेता, पहले किक से स्टार्ट करना पड़ता है उसके बाद ही सेल्फ स्टार्ट लेता है। तो देखो इसका सेल्फ प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं ले रहा ना, अब इसको पहले किक लगाएंगे उसके बाद स्टार्ट होगा। तो किक लगाते हैं, देखते हैं। तो गाइस, देखते हैं कितना किक में स्टार्ट होता है गाड़ी। पहला हम अभी देखते हैं, पहला में नहीं हुआ, दूसरा में भी नहीं हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, गाइस आप लोग कमेंट करना कितना किक लग रहा है अभी भी। गाइस, अभी स्टार्ट हल्का हल्का हो रहा है। गाइस, किक मारते मारते मैं थक गई, हाथ में लग गई। गाइस, बहुत दम लगता है किक मारने के टाइम, फर्स्ट दिन तो और ही ज्यादा। आस्ते आस्ते स्टार्ट हो रहा है, ठंडा का मौसम में इंजन पूरा ठंडा हो जाता है, इसको गर्म चाहिए। तो गाइस, फाइनली स्टार्ट हो गया हमारा स्कूटी, अब इसको बाहर निकालते हैं फिर साफ वाफ करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने टूर पर। गाइस, ये है होंडा एक्टिवा 125।
पे कोई बैठने के लिए यहाँ पे पैर रखने के लिए लगाया गया है। तो गाइस यहाँ है चाबी लगाने वाला, ये है एस्केलेटर, ये थे। तो गाइस ये है लॉक, यहाँ पे ऐसे लॉक लगा सकते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट है इसलिए लॉक भी लगा रहे हैं। तो गाइस अभी स्कूटी का इंजन मम्मी गर्म कर रही है, मतलब चला चला कर से इंजन गर्म होने से ये आसानी से स्टार्ट होता है। तो गाइस अभी इंजन बहुत ज़्यादा ही ठंडा पड़ गया था इसलिए स्टार्ट नहीं ले रहा था, अब गर्म होगा उसके बाद इंजन स्टार्ट लेगा। तो गाइस स्कूटी का गियर होता नहीं है, बस ये ब्रेक होता है, इसमें गियर होता है यारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें गियर रहता है, ये ऐसे ही पकड़ने वाला रहता है हैंडल, और ये है ब्रेक, ये राइट हैंड में रहता है, ये है स्लेटर, इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के स्लेटर दिया जाता है, और इसमें कोई गियर रहता नहीं है, बस क्लच रहता है, पहले क्लच के दबाना होता है, उसके बाद सेल्फ स्टार्ट बटन को उसमें प्रेस करना होता है, उसके बाद ये स्कूटी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। गाइस मुझे ऐसा ऐसा करने में मज़ा आता है। गाइस अभी यहाँ से ऑफ कर दिए, तो गाइस इसको ये खुलता भी है सीट। ये पेट्रोल का यहाँ पे चाबी लगाने से खुलता है। तो गाइस यहाँ पे स्कूल है, तो आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाऊंगी, बहुत सारे रिविंग वीडियो, राइडिंग वीडियो, जितने भी मतलब डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग सभी कुछ बनाऊंगी इस चैनल पे, बनाती रहूंगी, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो गाइज और क्या बोलूं, और आप लोग वीडियो देखिए, ये वाला रिविंग वीडियो कैसा बना, आप लोगों का कॉमेंट करके अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कॉमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।